हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की ओरा घर हो तो ऐसा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पार्ट 3 है, इसमें हम कलर्स की बात करेंगे। कल हमने एक कलर्स के ऊपर, एक कलर एक्सेस के ऊपर एक एपिसोड डाला था जिसको लोगों ने पसंद किया है। और ख़ास तौर से ये जो आज का प्रोग्राम है घर हो तो ऐसा के अंदर, ये घर के अंदर जो हम कलर करते हैं या ऑफिस के अंदर या शॉप के अंदर जो भी हमारी जगह है, प्रीमाइसिस है, भवन है, जहाँ पर हम कलर करते हैं, अपने घर में पेंटिंग करते हैं, तो किस कलर की करते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये कलर्स जो होते हैं इतने पावरफुल होते हैं क्योंकि ये तत्वों से जुड़े होते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी को, और ढंग से हम इसको सपोज करो ना देखें तो ये हमारी ज़िंदगी को कर सकते हैं बदरंग। जी हाँ, बदरंग मैं आपको कह रहा हूँ। तो हम आपको धीरे धीरे करके बताएंगे, आप चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं और आपको बताएंगे कि रंग कौन से जोन में कौन से लगाने हैं। क्योंकि पूरे के पूरे जो घर होता है उसको हम देखा जाए तो करीब 16 जोन्स में हम बांट देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए हम थोड़ा सा डिग्रीज के अंदर भी आपको बता देंगे कि एक जोन और दूसरा जोन कहाँ तक है। लेकिन हम जोन 16 की बात नहीं करेंगे, हम कलर जोन जो 5 जोन है सिर्फ उसकी बात करेंगे। तो अगर आपने, आपके हाथ में एक कंपास है और आपने कंपास अपने घर के सेंटर में रखी, कंपास हमेशा घर के सेंटर में रखते हैं, सेंटर में रख के आपको पता लग जाएगा कि नॉर्थ कहाँ पे है। जब नॉर्थ कहाँ पे है तो उसके आसपास सब डिग्री भी लिखी रहती हैं, तो आप आराम से पढ़ लेते हो उसको। तो यहाँ पे मैं आपको एक खास चीज़ से बताना चाहूँगा कि 5 कलर हैं यहाँ पे, यानी कि तत्व जो है 5ों हैं। जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है। जल तत्व का जो रंग होता है वो नीला होता है, काला भी होता है वैसे तो, लेकिन वहाँ पे काला रंग तो घर में कोई करता नहीं, तो नीला कर सकते हैं। वायु तत्व का जो रंग होता है वो हरा होता है। जो फायर तत्व है, अग्नि तत्व है, उसका रंग लाल होता है, उसका गुलाबी भी माना जाता है, मैरून भी माना जाता है, पर्पल भी माना जाता है, ये तो फायर है। पीला रंग या मिट्टी का रंग जो होता है वो आपका पृथ्वी तत्व है। और सफ़ेद रंग या लाइट ग्रे कलर जो होता है उसको मानते हैं आकाश तत्व को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वाटर जोन में आते हैं, यानी कि जल तत्व वाले आते हैं कि वो कौन सा है। अगर आप रखोगे कंपास को अपने हाथ में सीधा करके तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे जो नॉर्थ है, नॉर्थ हमेशा 0 डिग्री काउंट होता है। नॉर्थ का मतलब है वो 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री से, यानी कि 0 डिग्री कह सकते हो उसको या 360 भी कह सकते हो। 360 वहाँ पूरा हो जाता है, तो पूरा, क्योंकि पूरा चक्र जो होता है 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री का जब चक्र पूरा होता है वहाँ पर, तो एक तरह से कहा जाए तो 0 भी कहते हैं, 360 भी कहते हैं। तो हम उससे थोड़ा सा लेफ्ट पर पहले जाएंगे तो एक वहाँ पे एक मार्क आता है लगभग 326 डिग्री का। आप एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 325 डिग्री पे, 325 डिग्री से लेके और अप्रॉक्सीमेटली 55 डिग्री है, तो 56 डिग्री करीब, लेकिन मैं आपको अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ कि 325 डिग्री से लेके आप 0 तक आएंगे, और 0 से आगे के 55 के जो डिग्री का जो एरिया है वो एरिया आप देख लेंगे, तो ये सारा का सारा है ब्लू कलर का जोन है। ये जल तत्व का आपका घर के अंदर होता है और यहाँ पे जल तत्व का वास होता है। अब जल तत्व की मेजर दुश्मनी होती है अग्नि से, और अगर यहाँ से जहाँ पे नीला रंग है, यहाँ से आपकी ज़िंदगी का आरोग्य आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, अवसर आते हैं, CV भेजते हो उसका जवाब आता है, इंटरव्यू में पास होते हो, धन आता है, कुबेर आता है, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, सब कुछ यहाँ से आते हैं। और नई इनोवेशंस आती हैं, इन्वेंशंस आती हैं, नई खोज आती है, सोच आती है। अगर कहीं इस नीले रंग के अंदर वहाँ पे लाल रंग के तत्व आ गए जो अग्नि के हैं, तो आपके अवसर भी सूख जाएंगे और आपका भी बुरा हाल हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद चलते हैं, तो 325 डिग्री से लेके करीब 56 डिग्री तक आपका यह आता जल तत्व। अब हम चलते हैं आगे जो वायु तत्व आता है उससे आगे, तो ये करीब करीब 56 डिग्री से लेके 124 डिग्री तक आ जाता है। थोड़ा सा घूमेंगे आगे से तो 56 डिग्री से 124 डिग्री का जो चक्र है वो आपका वायु तत्व का आ जाता है। इसका कलर होता है ग्रीन, और यहाँ पे अगर आप ग्रीन कलर करेंगे तो आपको फायदा होगा। ग्रीन कलर के अंदर अगर आपने कहीं दूसरे रंग करने शुरू कर दिए तो फिर मुसीबत है, तो यहाँ पे ग्रीन ही रहने दीजिए, दूसरा रंग मत लेके आइएगा। उसके बाद चलते हैं 124 डिग्री से लेके और 191 डिग्री, 124 डिग्री से लेके 191 डिग्री के यहाँ पे जो जोन्स आते हैं वो सारे के सारे बेसिकली जो आते हैं आपके अग्नि के जोन्स हैं, और इनका कलर होता है रेड। यहाँ पिंक भी हो सकता है, मैरून भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, तो ये सब वहाँ से लगा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 125 डिग्री से लेके 190 डिग्री के बीच में, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं, पृथ्वी वाला जोन है, अर्थ जोन उसको कहते हैं, और ये करीब करीब 190 डिग्री से लेके 236 डिग्री तक, तो मोटा मोटा 190 से लेके 235 डिग्री का जोन है वो पृथ्वी का है, इसका रंग है पीला, और मिट्टी वाला कलर भी आता है लेकिन प्रोमिनेंटली पीला आता है यहाँ पर। अगले में हम आते हैं जिसको कि लास्ट हमारा जो तत्व बचता है आकाश तत्व है, और इसका कलर होता है या तो वाइट होता है या लाइट ग्रे होता है, बादल छाए होते हैं ना लाइट ग्रे टाइप के, और ये 235 डिग्री से लेके 326 डिग्री, हमने 326 से 325 से काउंट किया था ना जल वाला, तो ये वहाँ पे आके मिल जाता है, तो यहाँ पे जो कलर्स ये होने चाहिए। अब आप कहोगे कि मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है भाई, मैं कहाँ से ये कंपास लाऊंगा, कहाँ से उसको सब करूँगा, कैसे चेक करूँगा, मुझे नहीं आता है, मैं कॉमन मैन हूँ, मुझे कोई आसान तरीका बता दो कि मुझे रंगों से कोई त्रास ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो भाई उसका सीधा इलाज है भाई, एक होता है ऑफ वाइट कलर, यानी कि हल्का क्रीम कलर जो होता है वो सारे घर में जहाँ मर्जी आप लगाइए, शॉप में लगाइए, मॉल में लगाइए, बाहर लगाइए, अंदर लगाइए, तो जो लाइट क्रीम कलर जिसको ऑफ वाइट कलर भी कहा जाता है, वाइट नहीं होता है ऑफ वाइट, यानी कि लाइट क्रीमिश कलर होता है, वो कलर कॉमन होता है सबके लिए। अगर आप कहीं पे दूसरा कलर नहीं लगा सकते हैं तो आप वो कलर को यूज़ कर लीजिए, अगर कलर की समझ ना आए आपको इसके बावजूद भी। मेरा कहना यह कि रंगों से मत खेलना, क्योंकि रंग कर देते हैं आपको बदरंग। आप एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप अपने घर में इंटीरियर करेंगे और अलग रंगों का इस्तेमाल करेंगे, वो ये वो स्टेज है जहाँ से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं। आप अपना ये एग्जांपल ले लीजिए, जब भी आपने अपने घर में इंटीरियर कराया है या कलर कराया घर के अंदर, पेंटिंग कराई है और अपने कलर्स चेंज किए, उस दिन से आपकी परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं, चाहे वो लिटिगेशन की हो, वेल्थ की हो, हेल्थ की हो, बच्चों की हो, परेशानियां वहीं से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि आप रंगों से खेलते हैं और रंग आपको खेलने नहीं देते, क्योंकि वो तत्वों के हिसाब से हैं, वो जोन के हिसाब से हैं, दिशाओं के हिसाब से हैं, तो दिशाओं के रंग होते हैं, तो उन रंगों के अंदर जो रंग होने चाहिए उन्हीं रंगों को भरिए आप, अदरवाइज आपकी ज़िंदगी हो जाएगी बदरंग, और तरह तरह की बीमारियों से और वेल्थ की प्रॉब्लम से और लिटिगेशन से आपको जूझना पड़ेगा, और बच्चे भी परेशान हो जाएंगे, ये बिल्कुल सच बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। अपने अपने अगर आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंस हैं तो आप मुझे लिख के भी भेज सकते हैं, और आप खुद भी सोच सकते हैं कब आपने घर में इंटीरियर करवाया था और तुरंत बाद समस्याएं स्टार्ट हो गई, पैसा भी लगाया और सुकून भी गवाया। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, आप लिंक आगे भेजिए इस कार्यक्रम के, और ख़ास तौर से इस प्रोग्राम के अंदर आप हमारे साथ बने हुए हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। घरों तो ऐसा प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए बनाया गया है ताकि आपको जो विश्वकर्मा जी की थ्योरीज हैं उसके बारे में पूरी जानकारी मिले। धन्यवाद आपका।